के इस वीडियो में आपको इस तरीके से स्टेटस एडिट करना सिखाने वाला हूं बिल्कुल न्यू इफेक्ट के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो को को अगर आपने इस लाइक नहीं किया तो लाइक करके नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना ओपन करने पर इस तरीके से पेज आएगा यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और सॉन्ग बीट मार्क वाले जो प्रोजेक्ट है उसको आप क्लिक करके ओपन कर लेना जो कि कुछ आपके सामने इस से ओपन हो जाएगा यहां पर जो बीट कैसे लगानी है वो यहां पर मैंने ऑलरेडी लगा रखी है तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं बस आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन से इफेक्ट कहां पर डालनी है और कैसे फोटो को सेट करना है तो वो वीडियो में आपको कंटिन्यू बता दूंगा एक आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा यहाँ से मैं बैग आता हूँ बाकी आपको एक सैड इफेक्ट का प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा आप उस प्रोजेक्ट को भी क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना जो कि कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा जो भी इफेक्ट यूज किया मैंने वो आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाएगी आप इस प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको चार लाइनें मिलेगी तो आप क्या करेंगे इन चारों लाइनों को यहाँ से कॉपी करेंगे इसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले जो नीचे नीचे लाइन है इसको आप यहाँ से छोड़ देंगे इसके ऊपर जो तीन लाइने हैं इन तीनों लाइनों को इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद बीच में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से इसको कॉपी थ्री लेयर करेंगे और यहां से आप डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे उसके बाद आपने सॉन्ग बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहां पर आपको बीच में क्लिक करके पेस्ट थ्री लेयर पर आपको क्लिक कर देना है तो ये जो आपकी तीनों लाइनें हैं वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से तो यहां पर जो फोटोज हैं वो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं इन फोटो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं आपको करना क्या है यहां पर आपको आगे जाना है यहां पर जहां पर आपको फर्स्ट में बीट मिलेगी वहां पर जाएंगे तो आपको 17 या 18 सेकंड पर आपको फर्स्ट में बीट मिल जाएगी 19 सेकंड पर तो वो जो फोटो आपने ऐड किए उनकी साइज आपको यहां तक रखनी होगी इसके लिए आपको इस लाइन पर क्लिक करना है फोटो वाली पर उसके बाद स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जस्ट आपको यहां पर क्लिक कर देना है उसके बाद इस लाइन पर क्लिक करके आगे आएंगे दूसरी लाइन पर क्लिक करना है स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जस्ट आपको यहां पर क्लिक कर देना है त्रीसरी त्री, त्री त्री लाइन पर, पर, पर क्लिक करना स्पीड वाले ऑप्शन पर क्या जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक देना तो तीनों जो लाइनों की साइज वो बिल्कुल फिट तरीके से यहाँ पर हो चुकी है जो कि आप देख सकते हैं अब आपको आगे और फोटो ऐड करने होंगे तो सबसे पहले फर्स्ट में आप आएंगे प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप किसी भी एक फोटो को सेलेक्ट करेंगे जैसे मैं ये वाला फोटो ले लेता हूँ आपको इसको थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल कॉम्पोजन एरिया कर देना है उसके बाद आपको इस फोटो को उठाकर इन जो तीनों फ़ोटो आपने डालें इनके नीचे आपको इस फोटो को ले लेना है उसके बाद इस फोटो पर क्लिक करके आप आगे जाएंगे जहाँ पर आपकी फर्स्ट बीट आ रही है तो फर्स्ट बीट हमारी यहाँ तक है यहाँ पर आप जाएंगे उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है उस फोटो की साइज उतनी हो जाएगी अब आपको यहाँ से उन्नीस सेकंड से आपको अलग फोटो ऐड करने होंगे तो प्लस पर क्लिक करके आप मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप अपने फोटो को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैं सबसे ये वाला फोटो ले लेता हूँ आपको थ्री त्रेड पर क्लिक करके फिल कॉम्पन एरिया कर देना है मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी फोटो आप यूज़ करने वाले हैं वो सारे फोटो इस तरीके से अगर रहेंगे तो फोटो आपका सही होगा ठीक है तो यहाँ पर ऐड करने वाले हैं सभी फोटो की साइज नाइन इंटू होनी चाहिए अगर किसी भी फोटो की साइज

टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर लेना उसके बाद आपको इनको स्टेप बाय स्टेप ऐड करना या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई अदर फोटो ऐड यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आपके ऊपर है उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना और बाकी जो फोटोज है वो आपको ऐड करना है तो सारे फोटो यहाँ पर मैंने रख रखे हैं मैं सारे फोटो को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये ये वाला ले लेता हूँ तो आपको थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल्म कॉम्पोजिशन यहाँ पर एरिया कर देना अगले बीट से इसको हटा देना तो आपको लास्ट तक आपको इसी तरीके से फोटो ऐड करना है हर फोटो की जो साइज आपको बीट के अकॉर्डिंग रखनी है देखिए जितनी बीट की साइज आ रही है ना आपको हर फोटो की साइज उतनी ही रखनी है तो मैं लास्ट तक फोटो ऐड कर देता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या करना है दोस्तों यहाँ पर मैंने लास्ट तक फोटो ऐड कर आपको भी इस तरीके से बीट के हिसाब से लास्ट तक फोटो को ऐड कर देना है उसके बाद जहाँ से आपने फोटो स्टार्ट किए यहाँ से हमने ऐड करना स्टार्ट किए थे यहाँ पर आप आएंगे इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे लास्ट तक आपने जितने ही फोटो ऐड किए उनको इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सभी पर आप इस तरीके से राइट निशान लगा देंगे ऊपर स्लाइड कर लास्ट तक आप सभी को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद बीच में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डुप्लीकेट लेयर पर आपको क्लिक कर देना है तो सभी फोटो आपने जो ऐड किए उन सारी जो फोटो है वो यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर के अंदर हो जाएंगे उसके बाद आपको फर्स्ट में आ जाना है सॉरी फर्स्ट में क्या जहाँ से आपने फोटो अभी डुप्लीकेट लेयर के, के वहाँ पर आप आएंगे उसके बाद आपको ऊपर वाले फोटो पर क्लिक करना है देखिए यहाँ से मान्य हमने डुप्लीकेट फोटो लिए थे तो ऊपर जो फोटो इस फोटो पर आप क्लिक करके मोवेंट ट्रांस क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जूम वाले ऑप्शन से इसको जूम आउट करेंगे यानी कि इसकी साइज कम कर लेंगे तो इतनी साइज काफी है उसके बाद आगे आएंगे बीच में इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना है और फोटो पर क्लिक करके आगे आ जाएंगे दूसरे फोटो पर क्लिक करेंगे यहां पर जो दूसरा ऊपर वाला फोटो है इस लेयर पर आपको क्लिक करना ऊपर वाली पर बीच में क्लिक करके यहां पर पेस्ट स्टाइल के पास में एक एरो है एरो पर आप क्लिक करेंगे इन तीनों ऑप्शंस को बंद करेंगे उसके बाद पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो फोटो वो जूम आउट हो जाएगा यानी कि छोटा हो जाएगा उसके बाद फोटो पर क्लिक करके आगे आएंगे दूसरे डबल वाले ऊपर वाले फ़ोटो पर क्लिक ना है बीच में क्लिक करके पेस्ट स्टाइल पर आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक फ़ोटो छोटा हो जाएगा आपको इस तरीके से लास्ट तक जितने भी ऊपर ऊपर फोटो हमने ऐड किया यानी कि डबल लेयर बनाए थे उनके जितने भी ऊपर वाले फोटो हैं उन सारे ऊपर वाले फ़ोटो पर आप इसी जो जूम आउट की इफ़ेक्ट है उसको पेस्ट कर देंगे ताकि सभी फोटो की जो साइज़ वो यहाँ पर क्लिक कम हो जाएगी आपको कुछ भी नहीं करना ऊपर वाली फोटो पर क्लिक करना है बीच में क्लिक करके पेस्ट स्टाइल पर क्लिक कर देना है इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो आपका फोटो ऑटोमेटिक यहाँ पर जूम आउट हो जाएगा आपको कुछ भी जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी तो मैं लास्ट तक सारे फ़ोटो को जूम आउट कर देता हूँ लास्ट तक मैंने सारे फोटो को जूम आउट कर दिया जो कि आप यहां पर स्टेप बाई स्टेप देख सकते हैं तो आपको भी इस तरीके से सारे फोटो को जूम आउट कर देना है तो यहां पर जैसे इफेक्ट को पेस्ट करेंगे जूम आउट हो जाएगा अब आपको इनमें इफेक्ट डालनी होगी तो क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर आपको तीन लाइने मिलेंगे तो इनमें आपको फोटोज चेंज करना होगा यहां पर तो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है लेकिन अगर आप अपने पसंद के फोटो यहां पर ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर जो फोटो आप ऐड करने वाले हैं उनकी साइज नाइन इंटू सोलह होनी चाहिए जो कि मैंने पहले से आपको बता दिया कि आपको हर फोटो की साइज नाइन इंटू सोलह रखनी है आप क्या करेंगे यहाँ से बाहर आएंगे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है पिक्सल ऐप जो कि आपके मोबाइल में ऑलरेडी होगा इसको ओपन करके कैंसिल पर क्लिक करके फोर नंबर पर क्लिक करेंगे साइड में स्लाइड करके आपको फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक करना है जिन भी फोटो को आप इस स्टेटस में यूज करने वाले हैं इनको नाइन इंटू रेशियो में बनाने के लिए आपको किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट करना है उसके बाद जस्ट यहाँ पर नाइन इंटू इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है न्यू टैक्ट को आप यहाँ से डिलीट करके शेयर पर क्लिक करके डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे अपने अनुसार क्वालिटी को सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका फोटो साफ हो जाएगा गैलरी में यहाँ से आपको बैग आ जाना है डायरेक्ट अलाइट मोशन में तो आपको इस तरीके से जो भी फोटो आप ऐड करने वाले हैं उनकी साइज को आप नाइन इंटू सोलह के अंदर रख लेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये फोटो चेंज करने के लिए आपको ऊपर वाले लेयर पर क्लिक करना है फर्स्ट में आके कलर एंड फिल पर क्लिक करके स्टार पर क्लिक करना जो भी फ़ोटो आप ऐड करना चाहते हैं जैसे मैं ये वाला फोटो ले लेता हूं और उसके बाद आपको डायरेक्ट प्लस पे क्लिक कर देना है तो मेरी उस फोटो की जगह ये वाला फोटो ऐड हो चुका है नीचे वाला लाइन पर क्लिक ना स्पीड और सॉरी यहाँ पर आपको कलर एंड फिल पर क्लिक करके स्टार पर क्लिकना है अब आपको नाइन इंटू सोलह के जो दूसरा फोटो उसको लेंगे तो यहाँ पर दूसरा मेरा ये वाला है उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है तो ये फ़ोटो उसकी जगह पर चेंज हो जाएगा और नीचे थ्री जो तीसरी लाइन है इस पर आपको क्लिक करना है एंड फिल पर क्लिक करना है स्टार पर क्लिक ना अब आपको दूसरे फोटो को ले लेना तो मैं ये वाला फोटो ले लेता हूं उसके बाद प्लस पे क्लिक देंगे तो यहाँ पर क्लिक तो यहां पर फोटो वो हो जाएगा तो यहां पर, पर, पर चेंज हो चुके हैं अब आपको करना इफेक्ट डालने इसके लिए आप यहां से बाहर आएंगे प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे यहां पर आपको कोई लेना देना नहीं है लेकिन नीचे नीचे जो फोटो है ये चौथी लाइन वाला नीचे नीचे इस फोटो पर आप क्लिक करेंगे इफेक्ट पर क्लिक है और यहां पर आप लाइन पर क्लिक करके कॉपी फैक्ट कर लेना है यहां से आप डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे बाहर आने के बाद वापस अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है ओपन करने के बाद नीचे नीचे स्लाइड करेंगे जो जो तीनों लाइने हमने ऐड की उसके नीचे हमने एक फोटो भी ऐड किया तो उस फोटो पर आप क्लिक करेंगे इफेक्ट पर क्लिक करना है थ्री लाइन पर क्लिक करके पे पेस्ट इफेक्ट कर देना है तो यहां पर जो ब्लैक इफेक्ट है वो यहां पर फोटो के अंदर हमारी पेस्ट हो जाएगी उसके बाद यहां से आप बाहर आएंगे सैक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है ये चारों लाइने यहां इनसे कोई हमारा काम नहीं काम कंप्लीट हो चुका है इनसे अब ये इफेक्ट हमको डालनी होगी तो आपको करना क्या ये जो डबल फोटो है इसके नीचे वाले जो फोटो है इस ये ये जो जैसे डबल लेयर है तो इसके नीचे फोटो इस फोटो पर आप क्लिक करेंगे इफेक्ट पर क्लिक करना थ्री लाइन पर क्लिक करके कॉपी करेंगे यहां से आपको डायरेक्ट बाहर आना है बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है ओपन करने के बाद जहां से ये आपकी सारी जो बड़ी बड़ी लेयर है ये खत्म होगी गई जहां से हमारे डबल फोटो की जो लेयर है वो स्टार्ट होगी तो वहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आप आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद जो डबल फोटो इसके नीचे वाला फोटो इस फोटो पर आप क्लिक करेंगे इफेक्ट पर क्लिक करना थ्री लाइन पर क्लिक करके पेस्ट पेक्ट कर देना है वापस आप अगले डबल वाले फोटो पर जाएंगे और नीचे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे ये इफेक्ट आपको लास्ट तक जितने भी हमने नीचे नीचे फोटो ऐड किए हैं डबल डबल लेयर वाले नीचे वाले फोटो उन सारे फोटो पर आप सेम इफेक्ट को पेस्ट करेंगे सिर्फ आपको नीचे वाले फोटो पर क्लिक क्लिकना इफेक्ट पर क्लिक क्लिकना थ्री लाइन पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना ये प्रोसेस आपको लास्ट तक कर देना है सेम ही प्रोसेस होगा तो मैं फटाफट सारी जो जितने भी मैंने नीचे नीचे फोटो एड के उन सारे फोटो पर ये इफेक्ट पेस्ट कर देता हूं पेस्ट करने के बाद यहां से आपको बाहर आ जाना है सैक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद आप आगे जाएंगे आगे जाएंगे अब देखिए ऊपर वाली जो ये नीचे वाला जो फोटो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका अब इसके जो ऊपर वाला फोटो ये वाला फोटो इस पर आपको क्लिक करना इफेक्ट पर क्लिकना है थ्री लाइन पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करेंगे उसके बाद यहां से आपको बाहर आना है और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आप आगे जाएंगे जहां से आपके डबल फोटो स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर आप जाएंगे तो डबल फोटो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे तो ऊपर वाला जो फोटो इस फोटो पर आपको क्लिक करना है इफेक्ट पर करना है थ्री लाइन पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है तो इस तरीके से यहाँ पर इफेक्ट पेस्ट हो जाएगी इसके बाद पास जो डबल फोटो इसको छोड़ देना है इसके बाद जो डबल फोटो आने वाला है तो ऊपर वाले फोटो पर क्लिक क्लिकना इफेक्ट पर क्लिक है थ्री लाइन पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है उसके बाद डबल फोटो आएगा छोड़ देना यानी कि एक फोटो को छोड़ के आने वाले डबल फोटो के ऊपर वाला जो फोटो यानी कि छोटा फोटो उस फोटो पर आप इस इफेक्ट को क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो फोटो पर क्लिक ना इफेक्ट पर क्लिक ना थ्री लाइन पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है उसके बाद इसको छोड़ देना है इस पर वापस आपको क्लिक करके पेस्ट कर देना है ये आपको लास्ट तक इस तरीके से आपको एक फोटो को छोड़ के आने वाले डबल फोटो के ऊपर वाले फोटो पर आप इस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर सॉरी गलती से हो गया तो मैं ऊपर वाले फोटो पर डाल देता हूँ यह प्रोसेस आपको लास्ट तक करने के बाद यहां से आपको बाहर आना है सैक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है बिल्कुल लास्ट में जाएंगे यहां पर आपको दो लेयर मिलेगी तो नीचे जो फोर्ड इफेक्ट है वो तो हमने यहाँ पर यूज कर ली क्योंकि दोनों में सेम इफेक्ट है तो इसका कोई लेना देना नहीं लेकिन जो ऊपर इफेक्ट है वो अलग है तो इस फोटो पर आपको क्लिक ना ऊपर वाले पर उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक ना है थ्री लाइन पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करेंगे यहाँ से आपको बाहर आना है बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है ओपन करने के बाद आप आगे जाएंगे जहां पर जो लेयर हमने डबल डबल जो लेयर थी वो हमने छोड़ दी उनमें आपको इफेक्ट होगा देखिए ये तो कंप्लीट है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है तो स्पोर्ट पर आप क्लिक ना इफेक्ट पर क्लिक ना और आपको थ्री लाइन पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना तो इस तरीके इसके अंदर भी इस तरीके से इफेक्ट पेस्ट हो जाएगी उसके बाद ये एक कम्प्लीट है और ये इसमें कंप्लीट नहीं है तो आपको एक जो जो हमने छोड़ दिया उन सारी लेयर पर आप सेम इफेक्ट को पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर मैं लास्ट तक इसी तरीके से जितने भी लेयर हमने ऊपर वाली छोड़ दी है उन सारी लेयर पर यही इफेक्ट पेस्ट कर देता हूँ तो ये आपको लास्ट तक कर देना है लास्ट तक करने के बाद आपका स्टेटस वो पूरी तरीके से कंप्लीट बन जाएगा अगर आप अपनी वोटर मार्क कुछ भी एड करना चाहते हैं तो ऐड करेंगे सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है वीडियो को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है